बैक दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं शॉपसी प्रोडक्ट की, यानी अनबॉक्सिंग होगी आज शॉपसी प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का नेम है एयरपोर्ट प्रो ब्लैक ब्लूटूथ हेडसेट, जो कि 330 रुपये का परचेस किया था मैंने। 5 जुलाई 2022 को लिया था और ये डिलीवर हो गया था, लगभग 4-5 दिनों में डिलीवर हो गया था। ये हमारा प्रोडक्ट, अनबॉक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके फाइन वो जल्दी खुल गया था बट निकलने को तैयार ही नहीं था, उसको धक्का देना पड़ा है। ओके फाइनली निकल आया प्रोडक्ट। सो ये स्टार्टिंग में तक क्या दिया था, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। और ये भी था कुछ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के 5 स्टार दीजिए और तो आपको प्राइस मिलेगा। ये सब चीज़ें, ये तो तब होता है जब अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपको खुद ही मिल सकता है सब चीज़ें। वेल इसको ओपन करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है आके उसकी बात करते हैं। ओके तो ओपन हो रहा है। ऐसे बॉक्स दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है और कलरफुल भी है। वेल इस प्रोडक्ट, ओके सो ये रहा ब्लैक कलर का ब्लूटूथ, अच्छा लग रहा है दिखने में। वेल इस जो जिसमें ये एयरपोर्ट रखे हुए थे वाइट कलर का, तो उसको जब उठाएंगे तो इसी में डेटा केबल भी रखा हुआ था। डेटा केबल को मैं अनबॉक्सिंग नहीं दिखा पाई थी, स्किप हो गया था वीडियो। वेल अगर इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो, यानी एयरपोर्ट की बात करूँ, तो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव था और दिखने में काफ़ी अच्छा था, अच्छा है आई मीन। सो इसमें लाइटिंग भी, इंडिकेटर भी सिर्फ एक में जल रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक में इंडिकेटर क्यों जल रहा है। उसको भी मैंने जब ओपन करके देखा इस प्रोडक्ट को, तो बटन दबाई तो उसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहा था। मे बी शायद बैटरी डिस्चार्ज होगी इस कारण। अंदर को भी चेक किया कि इसमें लाइटिंग जल रही कि नहीं। देन जो मैंने आपको बताया था, जो डाटा केबल सी टाइप का मिला था उसका यूज़ किया मैंने। देन देखिए लाइट चल रही है, आप देख सकते हैं इसमें अभी इंडिकेटर ब्लू कलर में दिख शो कर रहा है दोनों एयरपोर्ट्स में, बर्ड्स में। सो इसके पीछे जो इंडिकेटर, जो बटन दिखा रहे थे उस टाइम, अब वो वर्क कर रही थी। बट ये आगे का जो इंडिकेटर है छोटा सा आगे वाला, वो उसमें कुछ भी लाइटिंग नहीं शो कर रही थी। मुझे लगा था उसमें लाइटिंग शो करेगी। जो उसका डेटा का केबल है वो लगभग 20 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर का था, ज़्यादा लंबा नहीं था, ज़्यादा लेंथ नहीं थी इसकी। सो अभी तो चार्जिंग सही दिखा रहा था, तो आपको दिखा सकते हैं कि अब इसकी जो बटन है वो वर्क कर रही थी। जब उसको ये देखिए लाइट बंद हो गई है, जब मैंने उसको बटन को पुश किया तो बंद हो गई लाइट। वेल इसका जो लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव है। प्रोडक्ट को हमने देख लिया अच्छे से, सब चीज़ें देख ली। अब बात करते हैं रिव्यू की। रिव्यू की बात करें तो ये कॉलिंग के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सेकेंड थिंग, ये जो अगर कॉस्ट के हिसाब से देखो तो सही दिख रहा है, क्योंकि पोर्टेबल है और सॉलिड भी है, बट ये सिर्फ म्यूज़िक ही आप सुन सकते हो, और म्यूज़िक भी उस तरीके का जिसमें बेस ना हो, एंड इट मीन्स बेस इसमें बहुत ही कम है, या बोलूँ शायद है ही नहीं। सो ये सब चीज़ें मिलाकर के देखी जाए तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही बेकार लगा, या बोलूँ सही नहीं लगा, क्योंकि इससे अच्छा तो आप एयरफोन भी ले सकते थे। एयरफोन में कम से कम आप बात भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा बेस भी ले सकते हैं एक ईयरफोन से, अगर आप 300 तक की रेंज में परचेस करते हैं। तो इस हिसाब से डिलीवरी 11 जुलाई को हुई थी और 18 जुलाई तक इसका लास्ट था चेंज करने के लिए, और मैंने 17 को ये प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं रहा था, क्योंकि आप कॉलिंग कर नहीं सकते थे और म्यूज़िक सुनने के लिए बेस नहीं था। सो इसलिए मैंने सब, और बैटरी बैकअप भी ओनली 2 आवर्स का था, यानी कि अगर आप 2 घंटे लगातार म्यूज़िक सुनते हैं या वीडियो देखते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सो टोटल मिला के मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। मानती हूँ कि पोर्टेबल है और सॉलिड दिख रहा था, बट वर्किंग नहीं अच्छी थी। प्लस ये भी है कि आप उसको टच करते हो, मान लीजिए आपको स्टॉप आपको सही करना है, गिर रहा है आपका एयरबड्स, या फिर आपको बाल को सही करना है, तो वो तुरंत म्यूज़िक ऑफ हो जाएगा, तो ये इरिटेटिंग हो जाता है। एक्चुअल में मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि इस टाइम जो भी ब्लूटूथ आ रहे हैं उसमें सेंसिंग का वर्क हो रहा है, तो सेंसिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। अगर बटन होती है उसकी जगह तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको कुछ भी टच करना तो गलती से भी टच हो जाता है, तो वो गाना या फिर म्यूज़िक होता है साइलेंट हो जाएगा, रुक जा, या फिर गूगल असिस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो टोटल मिला कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं पसंद आया है, इसलिए मैं इसको 2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार देना पसंद करूँगी। वेल आप 2 स्टार इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि आप म्यूज़िक चाहें तो सुन सकते हैं नॉर्मली यूज़ के लिए, और काम चलाओ है ये, बट अच्छा नहीं है, प्रिफर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वेल आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग और ये रिव्यू पसंद आया हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है, और कुछ सजेशन तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वेल ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।